Hello everyone, assalamu alaikum, welcome, khush aamadeed, jiyanu and fakhair raagle to all my very beautiful listeners out there who are listening in. Kaise hain aap tamam log aur kahan hain aap sab log? Umeed karti hoon jahan bhi honge theek thaak honge, bakhair aafiyat honge aur apni apni zindagiyon mein chill kar rahe honge aur aapki zindagiyon mein yakeenan kuch na kuch happening ho raha hoga. और फॉर इंस्टेंस अगर किसी की जिंदगी में कुछ हैपनिंग नहीं भी है और नॉट हैपनिंग चल रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. लाइफ मेरे ख्याल से इसी को कहते हैं, अप एंड डाउन. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा शेक्सपियर ने कहा है. वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर शेक्सपियर होता तो कैसा लगता, पता नहीं, ऐसे मेरे माइंड में आया. अगर आप लोग जरूर बताइएगा फीडबैक देके, अगर शेक्सपियर होता तो कैसा लगता, पता नहीं कैसा लगता, नो आइडिया. तो आप लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ एक और चैप्टर के साथ, करियर क्राफ्ट द अनप्लग पाथ. ओ माय गॉड, व्हाट अ सक्सेस. नई सुबह वेब रेडियो का एक खूबसूरत इनिशिएटिव है यूथ के लिए, क्योंकि नई सुबह का पर्पस ही यूथ को एम्पावर करना है. इसकी एग्जाम्पल हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाकर उसे देख सकते हैं. अगर अभी तक आपने उसे सर्च नहीं किया है तो भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. नहीं, मतलब अभी मत जाएं, लेकिन जैसे ही मेरा शो कंप्लीट है उसके बाद जाकर आप हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं, नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट. तो यूथ के लिए काम कर रहा है और ये शो जो है उसी का एक मुंह बोलता सबूत है, जिसमें हम आप लोगों को करियर, एजुकेशन और जो है अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं कि किस तरफ जाना है तो आपको यहाँ से वो मालूमात मिल सकती हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, बीएस की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने बीएस किया और आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में कुछ कर रहे हैं या फिर आप जो है एचआर कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो तमाम फील्ड जो इस वक्त बूम पर हैं, हम आपको बताएंगे कि कौन सी आपके लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटीज, अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर. दिस इज द purpose of Nayi Subah web radio career crafter the unplugged path. आई होप के आप लोग जो है मुस्कुरा रहे हैं. हमेशा मैं अच्छे की उम्मीद रखती हूँ, इसीलिए अच्छा ही मिलता है. तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं. फेसबुक, बिल्कुल फेसबुक मौजूद है. मार्क जकरबर्ग, जिसको बहुत सारे लोग मार्क जिंगरबर्ग कहते हैं, आई डोंट नो क्यों. अच्छा, मैं इस वक्त इस तरह बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बात का जो हमारा शो है ना वो काफी हद तक सीरियस होता है, टू द पॉइंट पर्टिकुलर हम बात कर रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज को लेकर, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाना चाहिए. तो आप कॉमेंट कर सकते हैं हमें www.facebook.com/ नई सुबह इंस्टीट्यूट. इसके अलावा व्हाट्सएप, बिल्कुल जिनको हमने बनाया किस लिए था, हमारे लिए तो बनाया था ताकि हम उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें. और अगर इनकेस आप हमें मैसेज नहीं करते हैं तो फिर शिकायत करनी पड़ेगी कि भाई फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप का ना सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा भाई. तो हमारे लिसनर्स हैं तो बिल्कुल आपने इसका यूज करना है. 0330860072 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर कॉमेंट्स एंड वॉइस नोट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप रिलैक्स हैं, आप उस तरह से हमें मैसेज कर सकते हैं. हमारा काम रास्ता दिखाना है, सिलेक्ट करना आपकी मर्जी है, ठीक है. हम फोर्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन हम आपको बेस्ट चीजें बताएंगे जरूर कि दिस 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 ये है, आप इसमें से कुछ भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें. तो खैर, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के हवाले से. तो हमारी जो मेहमान होंगी वो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, उसके अलावा जो वो एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जीनत मुश्ताक हमारे साथ मौजूद होंगी और वो बताएंगी कि इसमें आप किस तरह से अपना करियर जो है एक्सेल कर सकते हैं. और बींग ए साइकोलॉजिस्ट, जो बहुत सारी लोगों के दिमाग में मिथ होती है, कंफ्यूजन होती है, उन्हें भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे. तो आप लोगों ने एंड तक हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड यकीन करें, साथ रह लें क्योंकि आजमाइश पर हाल शर्त है. तो बातें मैंने बहुत सारी कर ली और आपको वो तरीके भी बता दिए जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और लिस्टर्स, एक बहुत ही मजेदार बात जो इस शो में ही क्लियर होगी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, विच इज सूटेबल, हमें कहाँ जाना चाहिए. और एक और परेशानी, जो अगर चले जाए गलती से हम साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास, तो हमारे ऊपर यानी जो भी शख्स जा रहा होता है उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा देते हैं कि ये तो पागल हो चुका है या ये नफ्सियाती हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड है, ये उस शख्स को मजीद तकलीफ में डाल सकता है. तो आज के शो में हम ये क्लियर करने वाले हैं कि वट इज डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, और आपको कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहिए यानी साइकोलॉजिस्ट के पास, या फिर आपको साइकाइट्रिस्ट की तरफ जाना चाहिए. तो इसके लिए आपको हमारा आज का करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ कंप्लीट सुनना पड़ेगा. और इंतजार की घड़ियां बुलाकर खत्म हुई और हमारी मेहमान, जिनका हम बहुत टाइम से जिक्र कर रहे थे कि वो आएंगी और हम बहुत सारी अच्छी और फ्रूटफुल डिस्कशन उनके साथ करेंगे रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जो अब सिर्फ महदूद नहीं रही है, बहुत ज्यादा वास्ट हो चुकी है. तो आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा.
तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर इन आवर स्टूडियो एंड गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. मिस सीनत वेलकम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. I'm really grateful for you. Welcome and I'm so glad कि अभी आप मेरे सामने हैं और हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं और हमारे listeners इससे बहुत कुछ सीखेंगे. और मेरा first जो कि first and foremost question है वो ये है कि what is your educational background? ठीक है मेरे listeners और मैं ये जानना चाहेंगे. So kindly tell us something about your educational journey. Since you guys are already familiar with my name, Ms. Quraatul-Ain has introduced me very well. But I'll try to give you people a glimpse of how psychology affected me from in all these years. So introducing me myself from a very brief educational background. So I did my BS from GC University, Lahore, and I am a UMTN doing my master's. But I must say that these institutes have helped me a lot to get where I am. All right, Ms. Zina, thank you so very much for telling us about your educational journey. एंड यहाँ मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज योर परसेप्शन रिगार्डिंग साइकोलॉजी एंड व्हाई यू सिलेक्ट साइकोलॉजी एज अ करियर. ओके, टू आंसर दैट आई मस्ट से कि पहले जब मेरा एडमिशन हुआ था आई वाजंट फुली अवेयर ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि साइकोलॉजी क्या होता है और यहाँ पर आगे मेरी साइकोलॉजी की डिग्री में क्या होगा. बट इट्स ऑल स्टार्टेड विद अ फोन कॉल फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी एंड दे वेलकम मी फॉर एन इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू डिड वेरी वेल एंड देन आई गेट इनटू द एनरोल्ड इनटू द डिग्री. और उसके बाद मुझे पता चला कि व्हेन आई डिग डीपर इनटू द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द ब्रेन एंड हाउ साइकोलॉजी इज लिंक्ड टू आवर एवरीडे लाइफ, तो फिर मुझे पता चला कि साइकोलॉजी तो बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वेदर यू आर अ डॉक्टर, वेदर यू आर अ टीचर, वेदर यू आर अ बिजनेस मैन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको एज अ मेजर नहीं भी ऑप्ट करना चाह रहे बट आई मस्ट से कि एक ऐसा कोर्स ज़रूर होना चाहिए जो हर डिग्री में, जो कि हमें साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने में हेल्प करे, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ एवरीवेयर. क्योंकि ये सारे जो भी प्रोफेशंस हैं ये सारे इसी बेस पर हैं कि हाउ आर ब्रेन वर्क्स, हाउ आर वेलबींग इज़ एंड हाउ आर पर्सनैलिटीज़ आर. तो ये सब चीज़ें हमें साइकोलॉजी थोड़ा सा हेल्प करती है इनको पॉलिश करने में और इनको समझने में. तो साइकोलॉजी इज सो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इवन एज अ कोर्स, अगर आप उसको नहीं भी ऑप्ट करना चाह रहे तो. तो फिर जब मेरा साइकोलॉजी की बीएस की डिग्री कंप्लीट हुई तो फिर मुझे थोड़ा सा इंसाइट हुआ इन द लास्ट ईयर्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे लेकर चलना है. और फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे पॉलिश किया कि आई एम हेयर टूडे वेयर आई एम. Oh my God, such an impressive answer, Ms. Zeenat. और यहाँ एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि why clinical psychology? Psychology अब इतनी vast हो चुकी है कि मैं अगर finger tips पे गिनूँ तो मैं शायद वो सारी branches उसकी count भी नहीं कर सकती. लेकिन educational psychology है, child psychology है, हमारे पास criminal psychology, लेकिन why clinical psychology? And जब आपने admission लिया था तो तब और अब में आपको क्या नज़र आता है कि scope इसका बड़ा है या इसका scope कम हुआ है, मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू यू, आप बताइए लिसनर्स को. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसका मैं आंसर इस तरह से करना चाह रही हूँ क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था द स्कोप वाज नॉट वेरी वेल और क्योंकि लोग बहुत सारे फील्ड्स थे और बहुत बस वही जो एक डायलमा हमारी सोसाइटी में चलता आ रहा है कि बस मेडिकल फील्ड ही बेटर है या इंजीनियरिंग, अगर लड़का है तो इंजीनियरिंग में करा दो और अगर लड़की है तो मेडिकल में करा दो. बट द थिंग इज़ कि जैसे जैसे आप किसी भी फील्ड में जाते हो और जैसे जैसे आप उसका नॉलेज गेन करते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ वास्ट दिस फील्ड इज़. और साइकोलॉजी में अब तो बहुत सारी डिविजन्स आ गई हैं एज पर यू से कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, क्रिमिनल है, चाइल्ड है. तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, वाई क्लिनिकल साइकोलॉजी? क्लिनिकल साइकोलॉजी इसलिए क्योंकि ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम आपको दे रहा है. इसमें आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को डील करना है. क्लिनिकल साइकोलॉजी गिव्स यू अ ब्रॉडर प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम विलिंग टू वर्क विद अ चाइल्ड तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई कैन डू काउंसलिंग एज वेल.
देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको इतना अवेयर कर देती है और इतना आपको पॉलिश कर देती है आपकी काउंसलिंग की स्किल्स को. थेरेप्यूटिकली तो आप अवेयर हो ही रहे हो, थेरेप्यूटिकली तो आप पॉलिश हो ही रहे हो, बट आपकी काउंसलिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी पॉलिश हो रही होती हैं. और फिर काउंसलिंग तो हमारी हर फील्ड में नीड है. यहाँ पर जैसे ऑर्गेनाइजेशनल की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल में अगर आप चले जाते हो वहाँ पर हर इंसान को वर्क लाइफ बैलेंस में इश्यूज आ रहे होते हैं. और उसके अलावा अगर आप HR में हो वहाँ पर भी आपको जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इश्यूज आ रहे होते हैं. तो यहाँ पर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन की बात है, बट अगर हाँ अगर आप किसी भी सिस्टम में जाते हो तो वहाँ पर काउंसलिंग की नीड हर जगह पर है. स्कोप ऐसे बनता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत एक डेकेड अगो हम ये सोच सकते थे सोच नहीं सकते थे कि कोई फैशन डिज़ाइनिंग का भी कुछ होगा. तो फैशन डिज़ाइनिंग जब आप चले जाते हो फैशन डिज़ाइनिंग में तो आपको पता चलता है कि हाउ ब्रॉड और हाउ इम्पॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज. तो इसी तरह आपको साइकोलॉजी का जब तक अवेयरनेस नहीं है, जब तक आप पर्टिकुलर अपना जॉब अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, जब आप अपना जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी इंपॉर्टेंस और इस फील्ड की इंपॉर्टेंस और साइकोलॉजिकल हेल्प की इंपॉर्टेंस लोगों तक जब तक नहीं पहुँचाऊंगी तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि हाउ साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, हाउ टेकिंग हेल्प इज इम्पॉर्टेंट. At the end, I must say that it is your responsibility to aware and to approach the people that are that need that help. So the scope is defined by you people. Okay, Ms. Zina, thank you so very much for your answer. और इसे जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि clinical जो psychology according to ये कि broad field है और इसमें opportunities ज़्यादा हैं एक किसी भी psychologist के लिए, तो इसलिए आपने clinical psychology जो है उसको select किया है. तो वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आपके लिए इन फ्यूचर, आपको बहुत सारी सक्सेस मिले. और यहाँ पर मेरा अब क्वेश्चन ये है कि साइकोलॉजी और साइकाइट्रिस्ट, मतलब कुछ लोग कहते हैं आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सॉरी फंबल हो गया, लेकिन और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, तो क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और मतलब हम कैसे अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमें किसकी ज़रूरत है, मतलब हमें कोई ऐसी टेंशन है कि साइकोलॉजिस्ट हमारे लिए बेहतर है या साइकाइट्रिस्ट. तो इन दोनों का पहले तो डिफ्रेंशिएट कि इनमें डिफरेंस क्या है और फिर हम किस तरह से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए बींग अ पेशेंट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसके बैकग्राउंड की सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं. साइकोलॉजिस्ट जो है वो इज कमिंग विद अ बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंसेस और लाइफ साइंसेस. बहुत सारी कंट्रीज में साइकोलॉजी बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी को लाइफ साइंसेस में इंक्लूड किया जाता है, बट देयर इन पाकिस्तान दे आर इंक्लूडेड इन द सोशल साइंसेज. ओके एंड एज फार एज साइकेट्रिस्ट, एज साइकेट्रिस्ट के लिए आपको एक प्रॉपर मेडिकल MBBS की डिग्री रिक्वायर्ड है फॉर टाइटल ऑफ साइकेट्रिस्ट. ओके द डिफरेंस इज हेयर के साइकेट्रिस्ट इज डीलिंग विद सिवेरिटी ऑफ इलनेसेस. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अ पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और एपिलेप्सी और वो बहुत सीवियर लेवल पर जा रहे होते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के रोल हैं वो दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को सिर्फ साइकेट्रिस्ट की नीड है और या सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की नीड है, उसको दोनों की नीड है. बट सबसे पहले अगर तो सिवेरिटी लेवल उसका डिफाइन हम करना होता है हमें, क्योंकि उसके लिए एक स्केलिंग सिस्टम है और पूरा एक मदर बुक है हमारी जो कि हमें इसके बारे में एक पूरा एक गाइडलाइन देती है कि आप तो पहले ये देखते हो ना कि आपने उसको एक मेडिकली ट्रीट करना है या थेरेप्यूटिकली ट्रीट करना है. अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही पहले सबसे रेफर करते हैं क्योंकि ये एक सिवेयर इलनेस है. तो साइकेट्रिस्ट के पास जब आप रेफर हो गए हैं तो वो आपको मेडिकली ट्रीट करेगा विद मेडिसन और एंड ऑल दैट मेडिकल प्रोसीजर्स MRI वगैरह. लेकिन और उसके बाद इफ़ यू आर इन नीड ऑफ दीज साइकोलॉजिकल सेशंस तो वो फिर आपको रेफर करते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं. फिर वो साइकोलॉजिस्ट आगे अपने थेरेप्यूटिकल सेशंस के साथ डील करता है. पेशेंट कैसे ये कर सकता है कि उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है उसकी सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स पे. अगर तो उसको लगता है कि उसको सिर्फ थेरेप्यूटिकल सेशंस और ऑनलाइन सेशंस या इन पर्सन सेशंस की ज़रूरत है तो वो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करता है. और अगर उसको ज़रूरत फील होती है कि उसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सिवेयर लेवल तक पहुँच चुके हैं तो वो फिर साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर ले, वो ज़्यादा बेटर है.
लेकिन जो एक एथिकल प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं तो सबसे पहले जो एक एक सेशन होता है वो साइकेट्रिस्ट के साथ होता है, और फिर वो डील करता है, वो फिर वो आपको बताता है कि आपको कितने सारे साइकोलॉजिकल सेशंस की ज़रूरत है या आपको सिर्फ मेडिसिन पे ही रहना चाहिए. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी और ऑन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ पेशेंट्स के हाउ दे how they go with the symptoms or how they deal with these type of symptoms. और अगर हम अपनी normal population की बात करते हैं, जैसे अभी students की बात कर लेते हैं, किसी का कोई job छूट गई है या किसी का कोई failure हुआ है, तो वो किसी illness के साथ नहीं आ रहे, वो सिर्फ एक phase के surface में गुजर रहे हैं, वो सिर्फ एक depressed phase है या panic phase है या manic phase है. तो वो पेशेंट इतना उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये फिर हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, कि उनको नहीं पता कि उनको कहाँ जाना चाहिए. यहाँ फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है कि वो कैसे अपनी ऑडियंस को अवेयर करते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. और राइट, यहाँ पर मिस जीनत ने ना बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन जो है क्लियर कर दी है साइकोलॉजी और साइकाइट्रिस्ट को लेकर. और जहाँ तक मैं समझूँ मिस जीनत, प्लीज़ ज़रा मुझे हाँ या ना में बताइएगा कि मैं ठीक समझूँ या नहीं, कि अगर हम किसी फेज में हैं और उसकी वजह से हम जो हैं हमें लगता है कि हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं या मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा हल्का मतलब लेवल पर आ चुके हैं, तो फिर हमें साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, यानी साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना चाहिए, और डिफरेंट थेरेपीज वगैरह लेकर हम थोड़ा सा अपने आप को बेहतर या फिर परफेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर इन केस हम किसी ऐसी कंडीशन में है जिसमें जैसे कि डिप्रेशन का वो फेज है कि हम अपनी जान लेने के बारे में सोच रहे हैं, हम में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है या एपिलेप्सी है या कोई भी ऐसे सीवियर केस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो फिर इस सूरत में हमें जो है साइकाइट्रिस्ट का इंतखाब करना चाहिए ताकि वो साथ में मेडिकेशन भी दे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अथॉरिटी रखता है उस पेशेंट को मेडिसिन देने की, जबकि साइकोलॉजिस्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है. तो फिर साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है. मिस जीना, जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा मैंने बिल्कुल ठीक समझी हूँ आपकी बात को. जी जी बिल्कुल, या ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल ठीक समझा है. थैंक यू एक्चुअली कि आपने हमें इतना अच्छा और डिटेल में ये जवाब बताया. अच्छा मिस जीनत, यहाँ पर एक और मेरा क्वेश्चन है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, कितना एक साइकोलॉजिस्ट का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है. न्यूट्रल इन अ सेंस कि आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, मेल फीमेल जेंडर की कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ नहीं होती. इसके अलावा अगर आप बात करें जात रंग मजहब, मतलब सबसे परे लोग आपके पास आते हैं अपने मसले मसाइल को हल करने के लिए या अपने उस प्रॉब्लम या उस प्रॉब्लमेटिक फेस से निकलने के लिए. तो एक साइकोलॉजिस्ट का न्यूट्रल होना किस हद तक जरूरी है, मतलब पर्सनल इश्यूज को साइड पे रखे, अगर सामने वाले का रिलीजन कुछ और है तो आप इस बेस पे उसे ये ना करें कि नहीं सॉरी मैं आपको नहीं देख सकती या नहीं देख सकता. तो न्यूट्रल होना और प्राइवेसी रखना किस हद तक जरूरी है एक साइकोलॉजिस्ट को या साइकाइट्रिस्ट को, दोनों के पास ही लोग अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप जरा इलैबोरेट कर दीजिए. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. और सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम अपनी डिग्री में एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग इसी चीज़ पे होती है कि हम एथिकल वायलेशंस मत करें. अगर आपके पास कोई भी रेशियल के साथ, कोई भी जेंडर का, कोई भी रिलीजन से बिलोंग कोई भी आपके पास पेशेंट आ रहा है, तो आप उसको वैसे ही अप्रोच करें. आप उस वही एम्पथी और सिंपथी वाला बात है इसमें कि यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट पर्सन शूज. आपको उसकी जगह पर होकर सोचना है, और आपको ये नहीं सोचना कि यू आर अ मुस्लिम तो अगर कोई और पेशेंट है और वो मुस्लिम नहीं है तो आप उसको कोकर नहीं, ऐसा नहीं है. तो नहीं, ऐसा नहीं होता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी न्यूट्रल. और सबसे पहले हम उसको यही इसी बात का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं. आर फर्स्ट टू सेशन और फर्स्ट थ्री सेशन आर सोली ऑन द पर्पस के हम उसकी उसको ये यकीन दिलाएं सबसे पहले कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी जो प्राइवेसी है, वो कैसे मेंटेन रखी जाएगी. और फिर उसके बाद इस बात पे आते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम के साथ आ गए हैं, वो बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, और अगर कोई ऐसे हमसे बात कर रहा है तो हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी के साथ ऐसे खुल के शेयर नहीं कर सकते. तो उसके लिए एक ट्रस्ट का बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है. तो जो पेशेंट आ रहा है वो बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, तो सबसे पहले ये बिल्ड करना, ये एक रेपो होती है बिल्ड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर वो इसी तरीके से बिल्ड हो सकती है कि हम उसको ये ट्रस्ट दिलाएं कि उनकी ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हम तक रहेंगी और वो कहीं हम पब्लिसाइज नहीं करेंगे या उनको कहीं भी हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे. और इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये, इसलिए
ये चीज हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम कभी भी पेशेंट का जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं करते। तो मैं अब आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप इस वक्त जो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी को जो है अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, साइकोलॉजी की डिग्री लेना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे इदारे हैं जो अच्छे और क्या कहना चाहिए, मतलब प्रोडक्टिव किस्म के जो है साइकोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करें, ऐसे कौन से इदारे हैं? आप कम से कम कोई 3 इदारे बता दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए ढूंढ रहे हैं यहाँ, वो सर्चिंग करें, उनको ये थोड़ा सा फायदा हो सके और वो वहां पे जाकर एनरोल हो सके साइकोलॉजी के लिए। या ऑफ कोर्स मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूँगी इसमें, क्योंकि साइकोलॉजी में जब हम एडमिशन लेते हैं तब हमारे माइंड इतने ब्रॉड नहीं होते और हमको नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, और गाइडेंस भी एज सच कोई इतना अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में जो हमें कोई करियर के हवाले से गाइड कर सके। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अप्रोच करें जो मेरे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, जीसी यूनिवर्सिटी और यूएमटी, दे आर डूइंग द बेस्ट इन लाहौर। बट अगर हम लाहौर के बाहर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान वगैरह साइड से भी आ रहे होते हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में वो एक नस्ट है, क्योंकि नस्ट का जो करिकुलम है और जो उनका पूरा प्रोसीजर है वो बहुत ऑथेंटिक है और बहुत अच्छा है, और वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनके। आई वॉन्ट टू गेट इन टच विद दैम। और उसके अलावा एक कायदे आजम यूनिवर्सिटी है कराची में, वो भी बहुत अच्छी है साइकोलॉजी के हवाले से। तो इफ़ यू आर पीपल आर प्लानिंग टू डू साइकोलॉजी डिग्रीज इन BS और MS और वट एवर, और MPhil भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर कर रही हैं, तो उसके लिए भी आप इन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें, नो डाउट कि बहुत अच्छी हैं और आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। ऑल राइट मिस जीनत, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इन यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक बताया कि ये बहुत अच्छी हैं साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं उस हवाले से, बहुत अच्छा करिकुलम इन्होंने डिज़ाइन किया। वैसे आपने एक और बात कही थी जिस हवाले से मुझे याद आया कि आपने कहा कि कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, तो हमारी नई सुबह वेब रेडियो का जो इनिशिएटिव है ना, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे अप्रिशिएट करूँगी और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, क्योंकि लोगों को पैसे देकर भी अच्छी कंसल्टेशन नहीं मिलती है, गाइडेंस नहीं मिलती कि वेयर टू गो एंड वाई टू गो। तो यहाँ पर हम हमारी जो सीरीज है करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ, इसमें हमारा यही पर्पज है कि जो डिग्रीज खासतौर पे जो बहुत ज्यादा बूम कर रही हैं और हर कोई उनके बारे में बात करता है, तो वो कम से कम स्टूडेंट को हम गाइडेंस दे सकें कि भाई यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जा रहे हैं तो फिर कौन कौन से आपके पास हथियार होने चाहिए जिसकी वजह से आप उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, कायदे आजम यूनिवर्सिटी नो डाउट, नस्ट, रावलपिंडी बिल्कुल, और कराची में अगर बात की जाए तो कराची में हमारे पास IBA मौजूद है, इसके अलावा कराची में कराची यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, हबीब यूनिवर्सिटी जो है ये भी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छे करिकुलम के साथ स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी वर्ल्ड वाइड जो है बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जीनत, मैं आपसे सेकेंड एक और क्वेश्चन यहाँ पर करना चाह रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी में आना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि साइकोलॉजी का भी एक स्वैग है ना, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, हमारी PT साइकोलॉजिस्ट है, वो फलन जगह काम करती है, तो लोग पर खानदान वाले बाकी कॉपी करते हैं, अरे इसकी बच्ची है तो हमारी वाली बच्ची भी जाएगी, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी बिना बंदा साइकोलॉजिस्ट मतलब उसमें ये होनी चाहिए, तो आप किन लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगी कि भाई अगर ये वाली कुछ क्वालिटीज आप में नहीं है तो प्लीज सिर्फ देख के इस चक्कर में कि साइकोलॉजी की तरफ लोग फैमिली में लोग चले गए तो हम भी चले जाएं, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आप उन लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगी कि खुदा रहा आप साइकोलॉजी पे रहम करें, ना जाएं आप इस तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसको पिछले क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने बोला कि हमारे पास कोई करियर गाइडेंस नहीं है, जैसे अभी ये साइकोलॉजी का जो अवेयरनेस है, जैसे अभी हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें वैसे ही हम करियर साइकोलॉजी या बिजनेस साइकोलॉजी या इन चीज़ों की भी बात करनी चाहिए, वो ये भी बहुत ज़रूरी हैं, तो जब हम उनकी भी बात करेंगे ना तो फिर लोगों को पता चलेगा कि जब आपने कोई करियर चूज करना होता है तो बस काउंसलिंग और करियर जो आपकी पर्सनैलिटी की जो असेसमेंट है वो कितनी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि आप कौन सा स्ट्रीम या कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट है, तो इसी के लिए इसलिए करियर साइकोलॉजी का भी इतना ही अच्छा इतनी ही नीड है जितनी की क्लिनिकल साइकोलॉजी की है। तो इसमें ये आता है कि किन लोगों को साइकोलॉजी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आकर आपको कह रहा है कि आई एम जस्ट डिप्रेस्ड, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, तो अगर आप उसको ये रिस्पॉन्स करते हैं ओके आई एम गिविंग यू द स्पेस, ओके आई एम ओके आई विल गेट बैक टू यू व्हेन यू आर फीलिंग राइट, तो आप
आपको, मुझे लगता है कि आपको उसकी जो नीड है वो समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, और आपको साइकोलॉजी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप ह्यूमन इमोशंस को की तरफ कंसर्न नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको ये पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो आपके पास वो डिप्रेस्ड बंदा आया है वो किस वजह से ये बोल रहा है, वो उसने ये फ्रेज क्यों यूज़ किया है कि आई एम डिप्रेस्ड, या क्या वो स्पेस मांग रहा है, या क्या वो अटेंशन मांग रहा है, क्या वो एक्टिव लिसनिंग मांग रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को फिगर आउट करने में कामयाब हो गए हैं तो आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, और अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर आपको, मुझे लगता है कि आपको कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहिए या किसी और फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मैयर हो रही है ना। जैसे अब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको मेट्रिकुलेशन में, FSC में मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो वहीं से वो डिफाइन हो जाता है कि वो टेक्नोलॉजी माइंडसेट के साथ पैदा हुए हैं, और बाकी कुछ होते हैं क्रिएटिव। तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत मैटर कर रही होती है कि कितना आपका माइंड क्रिएटिव है और कितना एक्सेप्टिंग है, कितना ब्रॉड है कि वो किसी भी चीज़ को अब्सॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर आपने फिगर आउट करना है योर पर्सनैलिटी व्हाइल ऑप्टिंग द एनी मेजर इन BS। तो अगर आप ये फिगर आउट करने में कामयाब हो गए हैं तो फिर आपको साइकोलॉजी जाना चाहिए, अदरवाइज आप किसी और चीज़ में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस को कोप करने में आप अच्छे हैं, अगर कोई भी जैसे मेट्रिकुलेशन और जो FSC के बोर्ड के एग्जाम्स के जो बहुत प्रेशर होता है और वो हर स्टूडेंट पे होता है, नो डाउट कोई पढ़ने वाला है, कोई कोई हार्ड वर्किंग है, कोई किसी ने क्या बनना है, किसी ने बिजनेसमैन बनना है, नो डाउट सब ने बोर्ड के एग्जाम्स देने और सब पे वो वाला स्ट्रेस आएगा और इक्वली अफेक्ट कर रहा होता है। कुछ उसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और कुछ उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस स्ट्रेस को मैनेज करने में अच्छे हैं, आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश कर सकते हैं एज अ गुड लिसनर और एज अ गुड कोच, एज अ गुड मेंटोर। कुछ लोगों में इन वन टेंडेंसीज होती हैं कि वो अंडरस्टैंड, उनको दूसरों के बिहेवियर्स फौरन से अंडरस्टैंड हो जाते हैं, उनको फौरन से पता चल जाता है कि अगला बंदा क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे। तो अगर तो आप एक अच्छे अच्छे स्ट्रेस के साथ कोप कर रहे हैं और अच्छे लिसनर हैं और आपकी पर्सनैलिटी में क्रिएटिविटी है, तो आप ये साइकोलॉजी का फील्ड आपके लिए है, क्योंकि ये सब यही चीज़ें मांग रहा है। ये साइकोलॉजी का फील्ड है ही इस चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने एक बहुत डियर टीचर डॉक्टर ज़ाहिर महमूद का कोट यहाँ पर कोट करना चाहूँगी, कि उनकी एक बहुत फेमस सेइंग थी कि साइकोलॉजी इज़ नॉट इन द बुक्स, इट इज़ इन द पीपल, इट इज़ इन द बिहेवियर्स ऑफ पीपल, why do we react the way we react? So, इस question का अगर इस question को सुनकर आप curious हैं और आप उसका answer जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप एक अच्छे psychologist बन सकते हैं, otherwise आप कुछ और field में जाना आपके लिए better होगा। Well said. और जहाँ तक मैंने आपकी बातों से extract किया है कि if a person is judgmental और अगर वो गुड ऑब्जर्वर नहीं है और एज वेल एज वो गुड लिसनर नहीं है, तो साइकोलॉजी समथिंग जो मुझे लगता है उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आई होप आप मेरी इस बात से एग्री करेंगी। या ऑफ कोर्स मिस कुरतुल्लैन, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, बट यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर रही हूँ कि जजमेंटल होना और बुरा और अच्छा जजमेंटल होने में डिफरेंस है, क्योंकि जज आप एक साइकोलॉजिस्ट भी जज कर रहा होता है, बट उसका जो स्पेक्ट्रम है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो एक इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट या ऑफ द क्लाइंट जो आपके सामने बंदा बैठा हुआ है। तो जजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप किसी दूसरे को देखकर आप उसको क्रिटिसाइज करने मत बैठ जाएं, आप उसको टॉन्ट मत करने बैठ जाएं, क्योंकि साइकोलॉजी ये नहीं सिखाती आपको। और मुझे लगता है कि आपकी जो ये इयर्स हैं जो आप BS में, MS में, उसके बाद प्रैक्टिसेस में गुजारते हैं, तो वो चीज़ ये चीज़ आपको ज़रूर सिखाती है कि आपने कैसे किस तरीके से कौन से बिहेवियर को कैसे जज करना है और कैसे ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जब हम यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारे पास आया है वो हेल्प के लिए आया है, तो अगर हम इस इंटेंशन के साथ उसके बिहेवियर को जज करेंगे कि हमने तो सिर्फ इसको क्रिटिसाइज करना है या ये सिर्फ कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर हमारा इंटेंशन कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपकी जजमेंट में ड्रॉबैक्स हैं। तो आप उनको पहले गैप्स हैं और उनको फिल कर कर आएँ, और फिर आप अगर आपकी जजमेंट अच्छी है तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट की चेयर पर आकर बैठ सकते हैं।
यहाँ पर यानी वही न्यूट्रल होने की जो हमने बात की थी, ये वहीं से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जजमेंटल भी आप किस तरह का जजमेंट कर रहे हैं, ये वो नहीं कि आपको जो लगता है उस हिसाब से आपने उसे जज कर लिया और वो लगता है आपने उस बात पे स्टैम्प भी लगा दी कि वो बात सही है और इस बंदे में ये वाला इश्यूज है। खैर मजीनू, बिल्कुल आपकी बात से हमने इतफाक किया और यहाँ पर जो है वक्त जो है थोड़ा सा कम रह गया है, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और इतनी सारी हमें कारामद बातें बताई, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। नई सुबह वेब रेडियो की मुकम्मल जो हमारी टीम है वो सब आप का बहुत उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और लास्ट में जाते जाते आपका एक मैसेज चाहिए फॉर दोस्ट हु वांट टू बिकम साइकोलॉजिस्ट इन फ्यूचर, जो इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं और इसमें एक्सेल भी करना चाहते हैं, तो आप उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को या ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें किस तरह का मैसेज जो है देना चाहेंगी? तो ओवर टू यू, और उसके बाद आप अल्लाह हाफिज कह दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मिस, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और अपना मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर बोल सकूँ और अपनी जो परसेप्शंस हैं या अपनी जो भी क्यूरीज हैं या जो भी अपने थॉट प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पर आकर मैं अपने लोगों को बता सकूँ, क्योंकि यही हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि हम अपनी जॉब अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास चीज़ नहीं है कि हम अपने लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनको इंकरेज कर सकते हैं कि वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को इम्पोर्टेंस दें। तो यहाँ पर जो एट द एंड मैं यही बस कहना चाहती हूँ, जो कि साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि डू गुड, बी गुड एंड ट्रीट गुड, क्योंकि यही हमारी सोसाइटी का नीड है और यही एक डायलमा है, क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के साथ आ रहे हैं, तो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना एक बंदे की नहीं है। और यहाँ पर अगर हम एक टीम में काम करेंगे तो वो तो ही हम एक बेटर चेंज लेकर आ सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही फेलियर्स होते रहेंगे, ऐसे ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो अभी यंग जनरेशन है वो ऐसे ही सफ़र करती रहेगी अगर आप अपनी जॉब अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। और यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का रोल ही यही है कि वो अपनी यूथ को मोस्टली, बाकी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे हम ओल्ड एज होम्स में या बहुत सारे लोग, मतलब साइकोलॉजी तो बहुत ब्रॉड है ना यहाँ, ये वो तो हर जगह पर नीड है इसकी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो यूथ है उसको इसकी अवेयरनेस और उसको इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर बतानी चाहिए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें बहुत हेल्प करते हैं कि हम अपनी बातों को, अपने नज़रियात को लोगों तक पहुँचाएँ। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। थैंक यू सो वेरी मच मिस जीनत, एंड अल्लाह हाफिज। आपने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई साइकोलॉजी से रिलेटेड, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे और यकीनन वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे और इन फ्यूचर अच्छे और प्रोडक्टिव साइकोलॉजिस्ट वहाँ से वो बन के निकलेंगे। और अब वक्त जो है वो बता रहा है कि भाई अब टाइम खत्म, ऑलमोस्ट खत्म है, तो इससे पहले कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए आप बताइए आपको हमारा शो कैसा लगा। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 0330860072 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर फीडबैक, ऑडियो फॉर्म या टेक्स्ट फॉर्म जो आपको पसंद हो आप उस तरह से हमें फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन देना जरूर है क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट मी। और जाते जाते हमेशा की तरह मैं एक ही बात कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों दावतों में आपने जाया नहीं करना है, अगर आपका अपना कोई नाराज या रूठ गया तो उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो और फिर बस आप सर पकड़ के बैठ जाओ और हाथ मिलते रहें कि काश मना लेता, काश मना लेती, काश ना जाने देता, काश ना जाने देती। तो ये जो काश होता है ना जिंदगी में बहुत परेशान करता है, तो मैं नहीं चाहती मेरे लिसनर्स आपकी जिंदगी में काश हो, तो आपने ये रिग्रेट अपनी लाइफ में रखने ही नहीं है, ठीक है? और सॉरी कह देने से आपकी नाक जो है ना वो बिल्कुल सही रहती है, लोग कहते हैं पता नहीं क्यों मेरी नाक छोटी हो जाएगी, आई डोंट नो तो मैं हमेशा सॉरी कह देती हूँ और इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ और आप लोग भी खुश रहें क्योंकि आप मेरे लिसनर्स हैं, ठीक है? करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ एक और सीरीज, एक और नया चैप्टर लेकर इंशाल्लाह ताला फिर से आप लोगों के सामने आएंगे और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी फॉर श्योर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।